आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। यादें संजोने के लिए जा रहे थे, एक झपकी ने ले ली 14 की जान, दिल दहलाने वाली तस्वीर। उत्तराखंड में आज एक दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की जानें छीन ली, जबकि कुछ जिंदगी और मौतें भी जंग लड़ रहे हैं। हादसे की भयावह तस्वीरें सामने आई जो दिल दहला देने वाली हैं। हंसी खुशी जा रहे यात्रियों को क्या पता था कि पल भर में ही उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। बद्रीनाथ हाईवे पर टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में समाया, 12 लोगों की मौत, 14 घायलों का चल रहा इलाज। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर एक टेम्पो ट्रैवलर वाहन अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में समा गया। हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 14 लोग घायल हैं। कुछ घायलों को एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर रेफर किया गया। विवेक हत्याकांड का खुलासा, चोरी की घटना में साथ न देने पर दोस्तों ने ही गोली मारकर की थी हत्या, उगले चौंकाने वाले राज। इसी कमरों में बैठे अफसरों को वनाग्नि की तपिश का नहीं अंदाजा, फील्ड में कर्मी बिन सुरक्षा इंतजाम के संभालते हैं मोर्चा। अल्मोड़ा में बीते दिनों वनाग्नि में वन विभाग के कर्मचारियों की जान ले ली, जबकि 4 कर्मचारी इस आग में गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में वन विभाग के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। खुशखबरी, UKSSSC निकालने जा रहा है 1200 नई भर्तियां, इन 2000 पदों पर भी जल्द होने जा रही हैं परीक्षाएं। उत्तराखंड के स्कूलों का हो रहा है सबसे बड़ा सर्वे, 10,000 से ज्यादा फीडबैक लिए जा रहे, सामने आए चौंकाने वाले खुलासे। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। राज्यपाल के निर्देश पर उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रदेश के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का विस्तृत सर्वे कर रही है। सर्वे का 60% काम हो चुका है। अभी तक के सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सचिव स्तर के अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जिलों का मिला प्रभार, यहाँ देखे लिस्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिव स्तर के अधिकारियों को जिला का प्रभारी नियुक्त किया है। ये जिला प्रभारी अधिकारी जिलों के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर जनता की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। 20 लाख की स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 2 फरार होने में रहे कामयाब। रुड़की में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। विदेश से डॉलर और महंगे गिफ्ट भेजने के नाम पर ठगी गिरोह का मास्टरमाइंड दिल्ली से गिरफ्तार। उत्तराखंड SPF ने दिल्ली से एक जालसाज को गिरफ्तार किया है, जो विदेश से गिफ्ट और करेंसी भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। आरोपी नाइजीरिया का नागरिक है। आरोपी के पास से 2 पासपोर्ट भी बरामद किए गए। बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर एक्टिव हुए गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, परिसीमन को लेकर किया बड़ा दावा। बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी एक्टिव हो गए हैं। आज उन्होंने BJP कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही उन्होंने राजेंद्र भंडारी को बंपर वोटों से जिताने की अपील की। परिसीमन पर बोलते हुए अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र की विधानसभाओं का परिसीमन जनसंख्या के बजाय क्षेत्रफल के अनुसार करवाने की कोशिश की जाएगी। प्रदेश में बढ़ रही IG/DIG रैंक के अफसरों की फौज, कई अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना होगा। प्लास्टिक कचरे से मालामाल हो रहा नगर पालिका जोशीमठ, करोड़ों की कमाई। जोशीमठ नगर पालिका ने प्लास्टिक कचरे से 1,02,00,000 की आय अर्जित की है। जोशीमठ नगर पालिका द्वारा 4 धाम यात्रा में प्लास्टिक कचरे को एकत्रित किया जा रहा है, साथ ही प्लास्टिक कचरे को एकत्रित कर विपणन किया जा रहा है। कैचीधाम मेला, बाबा नीम करौली महाराज के कैचीधाम में बट रहा मालपुए का प्रसाद, जाने क्या है मान्यता। बाबा नीम करौली धाम में प्रसाद के रूप में मालपुए बांटे जाते हैं। मान्यता के अनुसार मालपुआ प्रसाद के पीछे भी बाबा का चमत्कार बताया जाता है। प्रसाद पाने के लिए हर साल बड़ी तादाद में श्रद्धालु प्रसिद्ध कैचीधाम मेले में पहुंचते हैं। भाजपा की 2 दिवसीय लोकसभा चुनाव समीक्षा कार्यक्रम की शुरुआत, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने किया उद्घाटन। एसी कमरों में बैठे अफसरों को वनाग्नि की तपिश का नहीं अंदाजा, फील्ड में कर्मी बिन सुरक्षा इंतजाम के संभाल रहे मोर्चा।
रुद्रप्रयाग सड़क हादसे में केंद्र ने किया मुआवजे का ऐलान, घायलों से मिलने एम्स पहुंचे सीएम धामी। रुद्रप्रयाग सड़क हादसे में मुआवजे का ऐलान हो गया है। केंद्र सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद दी है। अल्मोड़ा वनाग्नि मामले में PCCF हाफ को जांच का जिम्मा, CMO ने भी किया जवाब तलब। किशोर ने नाबालिग को कला रेत कर मार डाला, नेपाल भागने की फिराक में काली नदी में लगाई छलांग, हुआ बड़ा हादसा। पुरी में धूमनगंज के पास जंगल में लगी आग, वन विभाग और फायर सर्विस कर्मियों ने पाया काबू। 20 लाख की अवैध स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 2 फरार होने में कामयाब। 3 बच्चों को छोड़ चुकी मां ने 4थे बच्चे के हक के लिए खटखटाया महिला आयोग का दरवाजा। भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, कई जगह कटौती।